हेलो दोस्तों दोस्तों मैं सबसे पहले आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं सोशियोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करूंगा, जो कि है ओरिजिन ऑफ सोसाइटी। मेरे दोस्तों, इससे पहले मैंने सोसाइटी के ऊपर वीडियो बनाई थी कि सोसाइटी होती क्या है, इसकी मेन मेन फीचर्स क्या हैं, डेफिनेशन क्या है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाएं, उस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनफैक्ट मैं लिंक में वो सारी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जो वीडियोस सोशियोलॉजी से डील करती हैं। हर एक विद्यार्थी जो बीए एलएलबी कर रहा है या बीए कर रहा है या एमए कर रहा है, जिनको ये सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं, आपको ये सारे टॉपिक बहुत हेल्पफुल होंगे। बड़ी सिंपल लैंग्वेज में मैंने पूरी सोशियोलॉजी के लेक्चर्स को बनाया है। तो मेरे दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मेरे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, अगर आपको राजनीतिक विज्ञान भी एक जो है सब्जेक्ट में विषय आपको है, और उसमें एक स्टेट का कंसेप्ट है, स्टेट क्या होता है, उसके ओरिजिन की क्या थ्योरीज हैं, तो मेरे दोस्तों जो थ्योरीज मैं यहाँ बताऊँगा, ये सारी थ्योरीज आपकी सोसाइटी की तो हैं ही हैं, साथ में स्टेट कैसे ओरिजिन हुआ इसकी थ्योरीज भी हैं। स्टेट और सोसाइटी दोनों की थ्योरी सेम ही है, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो में अच्छे से समझ आ जाता है तो आप स्टेट की थ्योरीज में भी ये सारी थ्योरीज लिखकर आ सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर देना मेरी मोटिवेशन के लिए। अपने दोस्तों से मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करना, मुझे आपकी शेयरिंग की, मोटिवेशन की, लाइकिंग की, सब्सक्राइबिंग की बहुत ज़रूरत है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो हम सभी को पता है कि जो सोशियोलॉजी है ये साइंस है सोसाइटी की। सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ सोसाइटी। व्हाट इज सोशियोलॉजी? इट इज़ बेसिकली सब्जेक्ट इन विच वी डू द स्टडी ऑफ सोसाइटी एज ए होल। दिस सोशियोलॉजी डज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं सोसाइटी का बात करूं तो सोसाइटी का मीनिंग डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताई भी थी कि टर्म सोसाइटी जो है वो लैटिन टर्म सोसाइटस से बना है, जिसका मतलब होता है कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप। जब लोगों के बीच आपस में एक ऐसी भावना होती है जो फ्रेंडशिप की भावना हो, कंपेनियनशिप की भावना हो, जब लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं उनके बीच सोसाइटी बन जाती है। आज क्वेश्चन ये अराइज होता है आज हमारा कि भाई सोसाइटी का ओरिजिन कैसे हुआ, सबसे पहले सोसाइटी बनना कहाँ से शुरू हुई, कैसे हमने बोला कि सोसाइटी आज बनी, किस तरीके से सोसाइटी का ओरिजिन हुआ, उसका शुरुआत हुई, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो मेरे दोस्तों, ओरिजिन ऑफ सोसाइटी के रिगार्डिंग हमारे पास कुछ थ्योरीज हैं। सबसे पहली थ्योरी जो आप इसमें पढ़ोगे वो है डिवाइन थ्योरी, वो है डिवाइन थ्योरी। आप इसको डिवाइन राइट्स थ्योरी भी बोल सकते हो, डिवाइन राइट थ्योरी। दूसरी थ्योरी जो है हमारी सोसाइटी के ओरिजिन की, वो है फोरस थ्योरी, वो है फोर्स थ्योरी। तीसरी थ्योरी जो है हमारी ओरिजिन ऑफ सोसाइटी के रिगार्डिंग, वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। जो फोर्थ थ्योरी है मेरे दोस्तों, इसके रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, ओरिजिन ऑफ सोसाइटी रिगार्डिंग, वो है हमारी ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी। और जो फिफ्थ थ्योरी है हमारी सोसाइटी के ओरिजिन के रिगार्डिंग, वो है इवोल्यूशनरी थ्योरी। तो मेरे दोस्तों, ये पांच थ्योरीज है हमारे पास जो सोसाइटी के ओरिजिन की बात करते हैं, डिवाइन थ्योरी, फोर्स थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी एंड एवोल्यूशनरी थ्योरी। इन सभी थ्योरीज को एक एक करके डिस्कस करेंगे। इन थ्योरीज के मेन प्रपाउंडर्स कौन रहे हैं वो बताऊंगा आपको, सिंपल भाषा में इन थ्योरीज को जानेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये थ्योरीज सारी की सारी ओरिजिन ऑफ स्टेट की थ्योरीज भी हैं, ये सारी की सारी स्टेट के ओरिजिन की थ्योरी भी हैं। अगर आपकी थ्योरी आ जाती है तो ओरिजिन कैसे हुआ स्टेट का, वो टॉपिक भी इसमें कवर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले डिवाइन थ्योरी या डिवाइन राइट थ्योरी से।
मेरे दोस्तों, अगर मैं सबसे पहली थ्योरी की बात करूं जो सोसाइटी के ओरिजिन की रिगार्डिंग है कि सोसाइटी का ओरिजिन कैसे हुआ, वो है डिवाइन थ्योरी। डिवाइन का मतलब सिंपल सा होता है जो कुछ भगवान से लिंक करता हो, जो दैवीय शक्ति से लिंक करता हो, वो डिवाइन उसे कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू डिवाइन थ्योरी द सोसाइटी हैज़ बीन क्रिएटेड बाई द गॉड इट्सेल्फ। भगवान ने ही सोसाइटी को बनाया है, भगवान ने ही, ईश्वर ने ही सोसाइटी को क्रिएट किया है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सोसाइटी हैज नॉट बीन क्रिएटेड बाय द इंडिविजुअल्स बट हैज बीन क्रिएटेड बाय द गॉड इट्सेल्फ। मेरे दोस्तों, आपको सोसाइटी के ओरिजिन के रिगार्डिंग जो डिवाइन थ्योरी, उसका मेन आइडिया पता होना चाहिए। इस थ्योरी में ये बोला जाता है, इस थ्योरी के अनुसार, कि भगवान ने इस दुनिया में हर चीज बनाई है। द गॉड हैज क्रिएटेड एवरीथिंग वेदर लिविंग और नॉन लिविंग। इफ द गॉड हैज क्रिएटेड ईच एंड एवरीथिंग इन द सोसाइटी इन दिस वर्ल्ड देन दिस सोसाइटी इज आल्सो बीइंग क्रिएटेड बाय द गॉड। गॉड हैज क्रिएटेड इट्स दिस सोसाइटी इटसेल्फ एंड दिस हैज नॉट बीन क्रिएटेड बाय द इंडिविजुअल्स। सेकेंडली ये थ्योरी ये बोलती है किंग के बारे में। किसके बारे में बोलती है? किंग के बारे में, कि जो किंग है, जो राजा है, जो रूलर है, दिस रूलर इज सेंट इन दिस अर्थ बाय द गॉड इटसेल्फ एंड दिस रूलर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड। ये जो राजा है, इसको भगवान ने भेजा है प्रजा की सेवा करने के लिए, प्रजा के लिए काम करने के लिए। और राजा जो है वो सुप्रीम है सबसे ज्यादा प्रजा में, और राजा जो बोल देगा वही कानून है। द किंग इज अबव द लॉ, द किंग इज अबव द लॉ। जो राजा है वो लॉ से ऊपर है। वट एवर द किंग विल सेड इट विल बी लॉ एंड द किंग वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड द पीपल। किंग जो है वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड द पीपल। जो राजा है वो लोगों के प्रति कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अपने कामों के लिए। ही इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टूवर्ड द गॉड। तो दिस इज द आइडिया ऑफ डिवाइन थ्योरी। आई होप आपको समझ आई होगी। लेकिन इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया है। बहुत से स्कॉलर्स इस थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं। स्कॉलर्स मानते हैं कि जो सोसाइटी है, दिस हैज नॉट बीन क्रिएटेड बाय द गॉड बट सोसाइटी हैज बीन क्रिएटेड बाय द इंडिविजुअल्स। ह्यूमन बीइंग्स ने खुद आकर आपस में बातचीत करके, इंटरेक्शन करके सोसाइटी को उत्पादित किया है। कोई भगवान ने सोसाइटी नहीं बनाई है। तो ये इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया है। दिस थ्योरी इज ओल्डेस्ट थ्योरी। ये काफ़ी पुरानी थ्योरी है। अभी इस थ्योरी का कोई इतना रोल नहीं है। इस थ्योरी को सच नहीं माना जाता। ये थ्योरी जो है ओरिजिन ऑफ सोसाइटी की, इसको इतना महत्व के टाइम पर नहीं दिया जाता। तो आइए अब डिस्कस करते हैं फोर्स थ्योरी के बारे में। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं दूसरी थ्योरी की बात करूं ओरिजिन ऑफ सोसाइटी या स्टेट के रिगार्डिंग, वो है फोर्स थ्योरी। फोर्स थ्योरी क्या बोलती है? कि द सोसाइटी हैज़ बीन क्रिएटेड और हैज़ बीन ओरिजिनेटेड बिकॉज ऑफ द फोर्स विच इज यूज्ड बाय द सुपीरियर पीपल ऑफ सोसाइटी ऑन द इन्फीरियर पीपल ऑफ सोसाइटी। जो सोसाइटी के स्ट्रोंगर पीपल होते हैं, जो सोसाइटी के स्ट्रोंगर पीपल होते हैं, वो जब वीक लोगों के ऊपर फोर्स का यूज़ करते हैं, और वीक लोगों को हरा देते हैं, पराजय कर देते हैं उनकी, तो इस तरह से सोसाइटी जो है वो क्रिएट हो जाती है। मतलब बोलने का क्या हुआ कि सोसाइटी क्रिएट करने के पीछे जो कारण है वो फोर्स है। वीकर लोगों के ऊपर स्ट्रोंगर लोग फोर्स यूज करेंगे और फिर स्ट्रोंगर लोगों को बचाने के लिए लोग इकट्ठे होएंगे आपस में और सोसाइटी क्रिएट कर देंगे। ये हमारी फोर्स थ्योरी बोलती है। इसमें एक नाम है वो जो आपने याद रखना है, ली कोक। एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने बोला था कि गवर्नमेंट क्यों बनी। गवर्नमेंट इसलिए बनी क्योंकि लोगों ने अग्रेशन दिखाया, स्ट्रोंगर लोगों ने अग्रेशन दिखाया वीकर लोगों के ऊपर। जब अच्छे स्ट्रोंग लोगों ने वीक लोगों के ऊपर गुस्सा दिखाया, अग्रेशन दिखाया, लड़ाई की उनसे, तो सोसाइटी क्रिएट करनी पड़ी, गवर्नमेंट क्रिएट करनी पड़ी ताकि वीकर लोगों को बचाया जा सके। तो हमारी जो फोर्स थ्योरी का आइडिया है वो यही है कि द सोसाइटी हैज़ बीन क्रिएटेड ओनली बिकॉज ऑफ द फोर्स विच इज बींग यूज बाई द सुपीरियर पीपल, स्ट्रोंगर पीपल ओन द इन्फीरियर पीपल और वीकर पीपल, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वीकर पीपल। दिस इज द
force theory, but this theory also is not free from criticism. This theory is also being criticized by many scholars. अगर मैं इस theory की बात करूँ तो बहुत से scholars ने इसको criticize किया है. Scholars मानते हैं कि yes, force can be a reason behind the creation of society, but force is not the only factor. There are many factors because of which the society has been created. But according to this theory, only force is a only factor for creation of society, and on this point the theory has been criticized by many scholars. Bahut se scholars ye mante hain ki keval ek force ki wajah se society existence mein aayi hai, aisa nahi hai. Society ke existence mein aane ke bahut sare karan hai, force usme ek karan ho sakta hai. To aaiye ab discuss karte hain social contract theory, jo ki bahut hi mahatvapurna theory hai. मेरे दोस्तों, अगर मैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात करूं तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का एक जनरल सा आइडिया ये है कि द सोसाइटी हैज़ बीन क्रिएटेड बिकॉज ऑफ एन कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज ऑफ एन एग्रीमेंट. एक एग्रीमेंट बना है अमंग द पीपल, अमंग द पीपल. सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ये बोलती है कि सोसाइटी कैसे एग्जिस्टेंस में आई है, कि जो लोग हैं इन लोगों ने आपस में एक एग्रीमेंट किया, आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया और सोसाइटी को एग्जिस्टेंस में ले आए. ये जनरल आइडिया है इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का. लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में तीन स्कॉलर्स हैं जिनके नाम आपने हमेशा याद रखने हैं. आपने तीन स्कॉलर्स के नाम हमेशा इस थ्योरी में याद रखने हैं. सबसे पहला नाम है थॉमस होब्स. सबसे पहला नाम है थॉमस होब्स. सबसे पहला नाम है थॉमस होब्स. सेकंड नाम जो आपने याद रखना है वो आपने याद रखना है जोहन लोक, जोहन लोक. और तीसरा नाम जो आपने याद रखना है वो है आपका जे जे रूसो. ये तीन स्कॉलर्स हैं जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी हुई है. इन तीनों स्कॉलर्स के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कि इन्होंने कैसे कैसे इस थ्योरी को डेवलप किया और क्या क्या इनके आइडियाज थे थ्योरी को लेकर. तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले थॉमस होब्स की, तो थॉमस होब्स ने 1651 में थॉमस होब्स ने एक बुक पब्लिश करी जिसका नाम था लेवियाथन. लेवियाथन बुक जो थी 1651 में वो थॉमस होब्स ने पब्लिश करी और इस बुक में इसने स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बताया. मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टेट ऑफ नेचर के बारे में ये भी बोलेंगे, स्टेट ऑफ नेचर के बारे में ये भी बोलेंगे, स्टेट ऑफ नेचर के बारे में ये भी बोलेंगे. तो स्टेट ऑफ नेचर का मतलब क्या होगा, आप ये लेकर चलें. इसका मतलब ये होगा कि जब तक सोसाइटी नहीं बनी है उससे पहले का टाइम क्या था, जब तक ह्यूमन बींग सोशलाइज नहीं हुआ, सोशल एनिमल नहीं बना अच्छे से, सोसाइटी नहीं आई, जब तक उससे पहले क्या क्या पहले का क्या सुनैरियो था. तो मेरे दोस्तों, थॉमस होब्स का मानना था कि जो स्टेट ऑफ नेचर था, मतलब सोसाइटी आने से पहले का नेचर, जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना सोसाइटी बनाने के लिए उससे पहले का टाइम, तो उससे पहले का टाइम जो स्टेट ऑफ नेचर था, दैट वॉज वेरी बैड, दैट वो बहुत बुरा था. दैट वॉज अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअल फियर. जो स्टेट ऑफ नेचर था, द स्टेट ऑफ नेचर वॉज अ कंटिन्यूअल फियर. द स्टेट ऑफ नेचर वॉज अ स्टेट ऑफ वायलेंस. बोलने का मतलब क्या है, थॉमस होब्स ये बोलते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर सोसाइटी बढ़ने से पहले जो स्टेट ऑफ नेचर था वो डर का स्टेट ऑफ नेचर था. लोग डर डर के रहते थे, वायलेंट सिचुएशन थी, हर कोई व्यक्ति किसी को मारता था, बलवान माइट इज राइट का प्रिंसिपल फॉलो करता था, लोग ब्रूटिश थे, सेल्फिश थे, नेस्टी थे, लोग बैड थे, लोग बहुत ही लाइफ ऑफ लोगों की लाइफ बहुत शॉर्ट थी, हर कभी किसी को मारा जाता था. ये स्टेट ऑफ नेचर बताया है हमारा थॉमस होब्स ने. मैं दोबारा बोल रहा हूं, स्टेट ऑफ नेचर का मतलब होगा सोसाइटी जब बनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए उससे पहले का टाइम. तो स्टेट ऑफ नेचर कैसा था, एक डर का स्टेट ऑफ नेचर था, लोग डर के रहते थे, लोग वायलेंट थे, लोग किसी को ही मारते थे. और इन्हीं स्टेट ऑफ नेचर ऐसा था तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए, जब ये सारी चीज़ें इनटॉलरेबल हो गई, सहने वाली नहीं रही, बहुत एक्स्ट्रा हो गई, तो लोगों ने क्या किया, फाइनली आपस में इकट्ठे हुए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया. और इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को बनाकर उन्होंने क्या किया, सोसाइटी को
सोसाइटी को रीजन कर दिया, सोसाइटी को बना दिया। आई होप आपको लग गया होगा पता कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बना सोसाइटी बनाने के लिए थॉमस हॉब्स के हिसाब से कब बना, जब कंडीशन इनटॉलरेबल हो गई, स्टेट ऑफ नेचर बहुत बुरा हो गया, बुरा तो था ही और बुरा हो गया, बदतर से बस से बदतर हो गया, तो सोसाइटी को लोगों ने क्रिएट कर दिया, लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट बनाया, अपनी पावर्स को सोवरन को दे दिया, सोवरन को बोला, राजा को बोला तुम हमारे ऊपर राज करो और साथ ही साथ हमें बाकी लोगों से प्रोटेक्ट करो। उसी तरह जॉन लोक, अगर मैं जॉन लोक की बात करूं मेरे दोस्तों, तो जॉन लोक जो थे उन्होंने एक बुक लिखी थी ट्रू ट्रीटाइज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, ट्रू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, इन्होंने बुक लिखी थी जॉन लोक ने, और इस बुक में स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बताया। इन्होंने क्या कहा कि स्टेट ऑफ नेचर वॉज वेरी गुड, स्टेट ऑफ नेचर वॉज नॉट बैड। थॉमस हॉब्स ने स्टेट ऑफ नेचर को बहुत बुरा बोला, स्टेट ऑफ नेचर का मतलब सोसाइटी आने से पहले का सिनेरियो, बहुत बुरा बोला, पर जॉन लोक ने बोला स्टेट ऑफ नेचर बहुत बढ़िया था, लोग ऑनेस्ट थे, लोग नोबल थे, लोग किसी को मारते नहीं थे, लोग आराम से रहते थे, लोग बिल्कुल अच्छे से रहते थे, स्टेट ऑफ नेचर वॉज अ गोल्डन एज। इसने बोला स्टेट ऑफ नेचर तो बहुत ही अच्छी एज थी, स्टेट ऑफ नेचर वॉज अ वेरी गोल्डन एज, गोल्डन एज थी, एक स्वर्ण युग था, सभी लोग मिलजुल के रहते थे, कोई किसी को मारता नहीं था, डराता नहीं था, सभी जो सुपीरियर इन्फीरियर थे आपस में मिलके रहते थे, सभी फ्री थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन लेकिन जॉन लोक क्या बोलते हैं, लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बना सोसाइटी को बनाने के लिए क्योंकि क्योंकि लोगों को एक राइट नहीं मिला हुआ था, वो था प्रॉपर्टी का राइट, वो था प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी का राइट, लोगों को सब राइट मिले थे, लोग इंजॉय से रहते थे, गोल्डन एज थी स्टेट ऑफ नेचर में, पर उस टाइम में लोगों की प्रॉपर्टी सिक्योर नहीं थी। प्रॉपर्टी का मतलब था लाइफ से, बंदों की लाइफ सिक्योर नहीं थी। दूसरा प्रॉपर्टी का मतलब था लोगों की ई स्टेट से, लोगों की प्रॉपर्टी से, और तीसरा मतलब था लिबर्टी से, लिबर्टी से। बाकी तो लोग आराम से रहते थे, सभी अपने सभी को अपने से मतलब होता था, पर उनकी जो प्रॉपर्टी थी, उनकी लैंड थी, वो सिक्योर नहीं थी, उनकी उनको कभी कोई मार भी सकता था, अगर मार दे तो क्या होगा, कोई राइट नहीं था उनके पास, किसी ने किसी को वैसे मारता नहीं था, पर मार भी दिया सिक्योरिटी नहीं थी, ऐसा नहीं था कि सिक्योरिटी है, कोई किसी को मार नहीं सकता, नहीं मार सकते थे, सिक्योरिटी नहीं थी। तीसरा लिबर्टी नहीं थी, लोग हर कुछ नहीं कर सकते थे, लिमिटेशंस बहुत थी। तो स्टेट ऑफ नेचर अच्छा था, लोग अच्छे से रहते थे, लेकिन ये तीन प्रॉब्लम थी, प्रॉपर्टी का राइट सिक्योर नहीं था, प्रॉपर्टी का मतलब है लाइफ सिक्योर नहीं थी, लिबर्टी सिक्योर नहीं थी, जमीन ई स्टेट सिक्योर नहीं थी, और इन्हीं चीज़ों की वजह से लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया और सोसाइटी को क्रिएट कर दिया, और सोसाइटी को क्रिएट कर दिया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा जॉन लोक के हिसाब से सोसाइटी कैसे क्रिएट हुई। तीसरा जे जे रूसो की मैं बात करूं, जीन जैक रूसो की, बहुत ही महत्वपूर्ण स्कॉलर हैं, मैं बता दूं ये फिलोसोफर हैं अपने फ्रेंच के, ये ब्रिटिशर्स थे, ये फ्रेंच के फिलोसोफर हैं जे जे रूसो। इन्होंने एक जो था, इन्होंने बात भी कही थी, आपको याद भी होगी कि मैन इज़ बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेंज, एक व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है पर हर वक्त वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ होता है, ये बात भी उन्होंने कही थी, आपको पता होनी चाहिए। तो जे जे रूसो की अगर मैं बात करूँ मेरे दोस्तों, तो जे जे रूसो फ्रेंच फिलोसोफर ने क्या कहा कि भाई जो स्टेट ऑफ नेचर था बहुत बढ़िया था, स्टेट ऑफ नेचर में कोई दिक्कत नहीं थी, स्टेट ऑफ नेचर मतलब सोसाइटी आने से पहले का सिनेरियो, बहुत बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी, लोग बिल्कुल आपस में मिलजुल के रहते थे, कोई किसी को मारता नहीं था, सब इक्वल थे, सब सेल्फ सफिशिएंट थे, सब नोबल थे, सब हैप्पी थे, लेकिन इनके हिसाब से लेकिन पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही थी, लोगों के बीच झगड़े होना शुरू हो गए थे, तो अब कल को ऐसा ना हो इससे पहले ही बचने के लिए लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, सिविलाइज सोसाइटी बनाई और लॉज रेगुलेशंस बनाए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, जे जे रूसो ने बोला स्टेट ऑफ नेचर वाज ऑसम, एवरीथिंग वाज गुड, पीपल वर इक्वल, एवरीवन विल वर इक्वल इंडिया फॉर ईच अदर, सब कुछ सही था, लेकिन लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पॉपुलेशन बढ़ रही थी
और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से कल को लोग आपस में लड़ते, क्वारल करते, झगड़े करते, तो कल को ऐसा ना हो इससे बचने के लिए लोगों ने सोसाइटी बनाई। दूसरा, स्टेट ऑफ नेचर में एक दिक्कत थी कि लोगों वहाँ पे कोई इम्पार्शल जज नहीं था। क्या नहीं था? इम्पार्शल जज नहीं था और ना ही कोई इम्पार्शल लॉ था, ना ही कोई इम्पार्शल लॉ था। इन दो चीज़ों की वजह से लोगों ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और सोसाइटी को एग्जिस्टेंस में ले आए। आई होप आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में तीनों का मतलब समझ आ गया होगा। तीनों स्कॉलर्स ने क्या बोला, जे रूसो ने जर्नल बिल का कंसेप्ट भी दिया था। मेरे दोस्तों, इस थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया गया। दिस थ्योरी इज आल्सो नॉट फ्री फ्रॉम क्रिटिसिज्म। पहली बात, लोगों ने ये बोली कि सोसाइटी कोई क्रिएशन से नहीं आई है, सोसाइटी सॉरी कोई कॉन्ट्रैक्ट से नहीं बनी है। इस थ्योरी के हिसाब से क्या था, इस थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो इंडिविजुअल पहले आ गए धरती पर, ह्यूमन बीइंग पैदा हो गए, फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया और सोसाइटी क्रिएट कर दी। ऐसा नहीं है। स्कॉलर मानते हैं कि इंडिविजुअल पैदा ही सोसाइटी में होता है, सोसाइटी पहले आती है, इंडिविजुअल बाद में पैदा होता है। ये थ्योरी तो गलत बोलती है। जिसके हिसाब से इंडिविजुअल पहले पैदा हुआ फिर सोसाइटी बनाई, ये बात गलत है। इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया पहले पॉइंट पर। दूसरा, जो हमारे मैकाइवर हैं स्कॉलर, उन्हें बोला ये थ्योरी इल्यूजरी है, ये थ्योरी हमारे दिमाग तक ही सीमित रह सकती है, प्रैक्टिकल ये थ्योरी हो ही नहीं सकती, इम्प्लीमेंट थ्योरी हो ही नहीं सकती, इलीगल थ्योरी है। तीसरा, इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म किया गया कि अगर बात की जाए इस थ्योरी की, तो तीनों स्कॉलर्स ने स्टेट ऑफ नेचर के बारे में अलग अलग बातें बोली। होब्स ने बोला स्टेट ऑफ नेचर बहुत बुरा था, जोहन लोग ने बोला ठीक था, प्रॉपर्टी सिक्योर नहीं थी, इसने बोला बहुत ठीक था, पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए। तीनों का एक व्यू है ही नहीं। जब तीनों स्कॉलर ही आपस में एक दूसरे को मान नहीं रहे तो हम इनकी बात कैसे मान लें। तो ये थ्योरी जो थी इन पॉइंट्स पे जो था इसको क्रिटिसाइज किया गया था। इसके बाद अब अगली थ्योरी में आते हैं। मेरे दोस्तों, अगर मैं सोसाइटी या स्टेट के ओरिजिन की बात करूं तो एक और थ्योरी है जो है ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी। ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी में आपने एक नाम याद रखना है, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर बड़ा ही फेमस नाम है। इन्होंने बुक लिखी थी, इन्होंने एक थ्योरी दी थी जा ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी, और ये वही थ्योरी है। इस थ्योरी के हिसाब से क्या है कि जो ह्यूमन सोसाइटी बनी है इसका स्ट्रक्चर वैसे ही है जैसे ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर है। जैसे ह्यूमन बीइंग पैदा होता है वैसे ही सोसाइटी पैदा होती है। जो ह्यूमन बीइंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसके दो हाथ हैं, आँखें हैं, टांगे हैं, मुँह है, जीभ है, इसी तरह से सोसाइटी का भी स्ट्रक्चर है, जिसमें सोसाइटी में रिलीजन है, एसोसिएशन है, इंस्टीट्यूशन है, कल्चर है, स्ट्रैटिफिकेशन है। जैसे इस बॉडी को ये सारे अंग मिलकर एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, वैसे सोसाइटी को बहुत सारी चीज़ें मिलकर एक सोसाइटी बनाती हैं। अर्थात इस थ्योरी के हिसाब से सोसाइटी का ओरिजिन वैसे ही हुआ है जैसे ह्यूमन बीइंग का ओरिजिन हुआ है, जैसे ह्यूमन बीइंग का बर्थ हुआ है। पर मेरे दोस्तों, इस थ्योरी को बहुत क्रिटिसाइज किया गया। लोगों ने बोला कि सोसाइटी ऐसे बनी है जैसे ह्यूमन बीइंग बने हैं, ये बोलना बिल्कुल गलत है, इल्यूजरी है, इलीगल है, मिसलीडिंग है, ऐसा हो ही नहीं सकता। सोसाइटी और ह्यूमन बीइंग आपस में बहुत डिफरेंट है, सोसाइटी कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो ये थ्योरी आपको समझ आई होगी आई होप। अगली थ्योरी, पांचवी थ्योरी जो आपने याद रखनी है वो है इवोल्यूशनरी थ्योरी। इवोल्यूशनरी थ्योरी, ये थ्योरी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है, ये ज़्यादा एक्सेप्ट की जाती है, एक्सेप्टेबल थ्योरी है। इस थ्योरी के हिसाब से सोसाइटी बनाई नहीं गई है बट सोसाइटी खुद बन गई है। ये थ्योरी ये मानती है सोसाइटी इज़ नॉट अ मेक, सोसाइटी इज़ नॉट अ मेक बट इट इज़ अ ग्रोथ। ये ग्रोथ है, सोसाइटी हैज़ बीन ग्रोन, द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी हैज़ टेकन प्लेस फ्रॉम एंशियंट टाइम। सोसाइटी हैज़ बीन ग्रोथ इटसेल्फ, सोसाइटी अपने आप ही सोसाइटी ग्रोथ हुई है। द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी इज अ नेचुरल फिनोमिना, सोसाइटी खुद इवॉल्व हुई है, खुद इसका इवोल्यूशन हुआ है। एक के बाद दूसरी स्टेज में सोसाइटी बढ़ती गई, सोसाइटी इम्परफेक्ट से परफेक्ट बनती गई, परफेक्ट से वेरी परफेक्ट बनती गई, डिसऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज बनती गई, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज बनती गई। मतलब सोसाइटी अपने आप टाइम के हिसाब से इवॉल्व होती गई, इवोल्यूशन उसकी होती गई। ये इवोल्यूशनरी थ्योरी है, सोसाइटी बनाई नहीं जाती, सोसाइटी की ग्रोथ होती है। आई होप आपको इवोल्यूशनरी थ्योरी भी समझ आ गई होगी। मेरे दोस्तों, अगर मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, मेरी मोटिवेशन के लिए, मेरी वीडियो को
कमेंट जरूर करें, नीचे अपनी राय दें मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, प्लीज़ मुझे अपनी सपोर्ट दें, मैं मन से आपसे सपोर्ट मांग रहा हूँ। आई होप यू विल असिस्ट मी इन दिस मैटर एज वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर कीप सपोर्टिंग मी।